आप देख रहे हैं न्यूज़लाइन दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं फिजा। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हार्डकोर नक्सली को दबोचने में सीआरपीएफ और डुमरी पुलिस को मिली सफलता। तीन माह पूर्व डुमरी में हुए उप मुखिया गुड्डू अंसारी हत्याकांड में संलिप्त था नक्सली रवि, घटने के बाद से चल रहा था फरार। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में भारी बहुमत से पारित हुआ स्थानीय नीति व ओबीसी आरक्षण बिल। झामुमो व कांग्रेस नेताओं ने रैली निकाल जताई खुशी। भाजपा नेता चुन्नू कांत ने स्थानीय नीति का स्वागत करते हुए हेमंत सरकार पर किया कटाक्ष, कहा सिर्फ कागज पर नहीं धरातल पर करे लागू। सदर प्रखंड मुख्यालय में प्रदर्शन को लेकर भाजपाइयों ने की बैठक, भ्रष्ट हेमंत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को ऐतिहासिक बनाने को लेकर बनाई रणनीति। और बीएनएसडीवी स्कूल में क्राफ्ट मेकिंग प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, छात्रों ने दिखाई प्रतिभा, पुरस्कृत हुए छात्र। अब खबरें विस्तार से। गुरुवार की देर रात को सीआरपीएफ की 7वीं बटालियन और डुमरी पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर हार्डकोर नक्सली रवि को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। नक्सली रवि 3 माह पूर्व डुमरी में हुए उप मुखिया गुड्डू अंसारी हत्याकांड में संलिप्त था। सीआरपीएफ की 7वीं बटालियन और डुमरी पुलिस ने गुरुवार की देर रात संयुक्त रूप से अभियान चलाते हुए हार्डकोर नक्सली रवि मरांडी को दबोचने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार नक्सली रवि मरांडी डुमरी थाना के कर्मा बहियार गांव का रहने वाला है। सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट संतोष मिश्रा ने डुमरी पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन चलाते हुए पीर टाट थाना इलाके के मंझला डी बाजार से उस वक्त हार्डकोर नक्सली को दबोचने में सफलता प्राप्त की है जब रवि मरांडी बाजार आया था। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार नक्सली रवि मरांडी 3 माह पहले ही डुमरी के उप मुखिया गुड्डू अंसारी हत्याकांड को पीरटाड़ के कृष्णा दस्ते के साथ मिलकर अंजाम दिया था। इसके बाद से वह फरार चल रहा था। हार्डकोर नक्सली रवि साल 2010 में पीरटाड़ के जलेबिया मोड़ के पास एक पुलिया को उड़ाने की घटना में भी शामिल था। इसके खिलाफ तीसरी के तीसरों में 17 CLA के कई केस दर्ज है। वहीं डुमरी और पीरटाड़ में भी CLA एक्ट के कई मामले दर्ज है। लिहाजा अब डुमरी थाना पुलिस इस हार्डकोर नक्सली से पूछताछ कर रही है। वैसे रवि मरांडी इन इलाकों में कृष्णा दस्ते के लिए सरकारी योजनाओं में लेवी वसूली करने का काम करता था। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में 1932 आधारित खतियान और ओबीसी को 27% आरक्षण का बिल शुक्रवार को भारी बहुमत के साथ पारित हो जाने की खुशी में झाबुमो व कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। इस दौरान शहर के टावर चौक के पास जमकर आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। झामुमो सरकार के द्वारा स्थानीय नीति 1932 खतियान का लागू करने तथा ओबीसी आरक्षण को लेकर बिल पारित होने पर शुक्रवार को बेंगाबाद में भी झामुमो प्रखंड कमेटी की ओर से डाक बंगला चौक पर विजयी जुलूस निकाला गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांट कर, गुलाल लगाकर और आतिशबाजी कर खुशियां जताया। मौके पर मुख्य रूप से 20 सूत्री अध्यक्ष नुन्नू राम किस्कू, उपाध्यक्ष नीलकंठ मंडल, युवा नेता विपिन सिंह टिंकू समेत काफी संख्या में जेएमएम के कार्यकर्ता लोग मौजूद थे। इस मौके पर प्रखंड अध्यक्ष सूत्री अध्यक्ष नुन्नू राम किस्कू ने कहा कि हेमंत सरकार के द्वारा यह नीति लागू किया गया है जो झारखंडियों के लिए काफी हर्ष की बात है। कहा कि इसके लिए जनता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड सरकार को धन्यवाद देती है। इधर भाजपा नेता सह अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नू कांत ने कैबिनेट में स्थानीय नीति के पास होने का स्वागत करने के साथ ही हेमंत सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सिर्फ कैबिनेट में पेपर पास करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि सरकार को अच्छी सोच के साथ इसे धरातल स्तर पर लागू करने की आवश्यकता है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। विधानसभा के विशेष सत्र में झारखंड राज्य में 1932 के खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति को बहुमत से पारित करते हुए, साथ ही ओबीसी के 27% आरक्षण बिल को भी पारित किया बहुमत से हेमंत सोरेन नेतृत्व की सरकार ने। चूंकि झारखंड राज्य जिस समय अलग हुआ था उस समय इस राज्य में 27% का आरक्षण लागू था, लेकिन माननीय बाबूलाल मरांडी की सरकार ने पिछड़ों का हक काटते हुए उस आरक्षण को समाप्त किया था और इस सरकार ने
जो अपने वादे किए थे इस राज्य की जनता से, एक बड़ी आबादी से जिसकी संख्या 50% से ज्यादा है, वैसे लोगों को उनके अधिकार दिलाने का काम किया है। और इस राज्य के तमाम जनप्रतिनिधि जो इस बिल का स्वागत किए हैं, समर्थन किए हैं, उनका अब आभार व्यक्त करते हैं। और राज्य की जनता खुशहाल है, खुश है और इस राज्य को, इस त्यौहार को अपने अधिकार के बांटने के बाद खुशी का माहौल है। और जिन लोगों को जैसे जैसे पता चलेगा वैसे लोगों को इस संबंध में अपने खुशी का इजहार करेंगे। मैं आपके माध्यम से तमाम फिर पुनः इस राज्य के तमाम वैसे जनप्रतिनिधि जो इस बिल का स्वागत किए हैं, समर्थन किए हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। झारखंड एक ऐतिहासिक दिन से गुजर रही है। 1932 जब से अलग राज्य हुआ था, सबसे 1932 का खतियान का लोग यहाँ का झारखंडी लोग की मांग थी, आज 1932 का खतियान लागू हो गया है। और यहाँ हमारे साथ पूरे पार्टी के साथ पूरा राज्य के लोग खुशी मना रही है, क्योंकि जो हेमंत जी ने कहा था उसने पूरा किया। अब आगे इसमें जो जो समर्थन किया, जो जो विधायक से समर्थन किया, उसको भी धन्यवाद देते हैं और यहाँ की जनता को भी धन्यवाद देते हैं। ये लंबी लड़ाई जो लग रही थी वो लंबी लड़ाई अब समाप्त हुई है। इसके लिए 1932 की खतियान झारखंड की पहचान थी, वह हम लोग को मिल गई। आज सबसे बड़ी खुशी की बात है, पूरे प्रदेश में आज खुशी का लहर दौड़ रहा है, क्योंकि यूपीए गठबंधन जो सरकार हम लोग की हेमंत जी के नेतृत्व में चल रही है, और इस सरकार ने जो वादा किया वो आज पूरा किया। लोग मजाक में ले रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे कि 1932 खतियान जाकर लागू ही नहीं हो सकती है, लेकिन आज सदन में जब पारित हुआ तो पूरे प्रदेश के लोगों की सरकार पर जो विश्वास थी और भी विश्वास बढ़ गई। और ओबीसी को जो 27% आरक्षण की बात चल रही थी, इस सरकार ने सदन से पारित करके साबित कर दिया कि मैं ही हूँ जो सबों के यहाँ पर इस प्रदेश में लेके चल सकता हूँ। और आने वाले दिन में एक आध काम और बचे होंगे, इस प्रदेश के हित में जो चुनावी एजेंडा में है वो भी पूरा करने का काम करेंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी इस सरकार को अपदस्थ करने के लिए जितनी भी ताकत लगाने वो लगा रही है, इनके सारे नियत कैसी है वो दिख रहा है इस प्रदेश को। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी और इसे केंद्र की सरकार नहीं चाहती कि झारखंड में लोकप्रिय सरकार जो चुनी हुई आम जनता का वो स्थिर रहे और बढ़िया कार्य करे लोकहित में, जनहित में और यहाँ के युवाओं के हित में, नहीं चाहती। पास कराया 1932 हथियार, जो पक्ष के लोग कहता था ये पास नहीं होगा, और 1932 पास किया। और जो 27% आरक्षण की मांग थी वो भी आज कैबिनेट ने पास कर दिया। ये ऐतिहासिक फैसला हेमंत सोरेन सरकार ही ले सकती है, महागठबंधन सरकार ही ले सकती है। इस ऐतिहासिक फैसला में पूरे झारखंड में ओबीसी और यहाँ स्थानीय लोगों के अपार खुशी हो रही है, और मैं सभी को इस खुशी के लिए हृदय से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज राज्य सरकार ने विशेष सदन बुलाकर 1932 का खतियान पारित किया और 27% ओबीसी से संबंधित आरक्षण पारित किया, इस संबंध में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, जो चीजें आ रही है ये विशेष सत्र में उन्होंने पारित किया है, तो इस बात के लिए तो सबसे पहले मैं राज्य के मुख्यमंत्री को और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने एक अच्छा कार्य किया है। पहली बार 1932 के खतियान को लागू करें वो, और 27% आरक्षण, ये तो भारतीय जनता पार्टी आरंभ से ही इसकी बात कर रही है। लेकिन एक बात जरूर हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि केवल ये कागज में पारित नहीं हो जाए, उसको लागू भी किया जाए। नियत अगर साफ होगा, नियत में खोट नहीं होगा, तब तो यहाँ की जनता जरूर उनके प्रति आभार व्यक्त करेगी, क्योंकि ये होना चाहिए था। अब आगे भविष्य बताएगा कि इनका नियत क्या है, लेकिन अभी पूर्ववर्ती जो जितने मामले हैं उसमें यही दिख रहा है कि सरकार कहती तो जरूर है, घोषणा तो जरूर करती है, लेकिन अमली जामा नहीं हो पाता। कई मामले हैं, अभी विस्तार में उसका नहीं जाना चाहता, कि सरकार ने पहले भी काम किया, घोषणा किया, अध्यादेश लाया, कानून बनाया, लागू नहीं हो पाया। जेएमएम के जिलाध्यक्ष संजय सिंह द्वारा कहा गया है कि जब भाजपा की सरकार थी तो उस समय इस आरक्षण को रद्द कर दिया गया था,
इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, हम कहेंगे कि जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं उनको अध्ययन करें उस समय क्या हुआ। झारखंड सरकार ने आज विधानसभा में स्थानीय नीति और आरक्षण बिल पारित किया है, इसके लिए सरकार को बहुत बहुत बधाई। आज जो स्थानीय नीति झारखंड सरकार ने विधानसभा में पारित करवाया, ये आज से 20 साल पहले स्थानीय नीति बन जाना चाहिए था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ और उस समय यदि ये स्थानीय नीति बनी रहती और झारखंड के युवक और युवतियों के द्वारा जो सरकारी विभागों में खाली पद थे उसको भरा गया रहता तो आज हमारा झारखंड सोना झारखंड होता। लेकिन 22 साल हो गए झारखंड गठन के, 22 साल बाद आज यह स्थानीय नीति बन पाया है और आरक्षण बिल पारित हो सका है। आज झारखंड की जो मुख्य समस्या है वह है पलायन। आज झारखंड के नौजवान झारखंड से बाहर पलायन करने को मजबूर हैं। झारखंड की बेटियां महानगरों में जाकर के काम करने को मजबूर हैं। झारखंड सरकार से हमारी मांग है कि जितना जल्दी हो सके झारखंड में ये जो विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पद हैं उसके लिए विज्ञापन निकाला जाए और झारखंड के नौजवानों युवक युवतियों से इन रिक्त पदों को तृतीय चतुर्थ श्रेणियों में भरा जाए। इधर बेंगाबाद में भी छात्र कार्यकर्ताओं ने 1932 का खतियान लागू होने पर हर्ष व्यक्त करते हुए जुलूस निकालकर खुशियां मनाई। झामुमो सरकार के द्वारा स्थानीय नीति 1932 खतियान का लागू करने तथा ओबीसी आरक्षण को लेकर बिल पारित होने पर शुक्रवार को बेंगाबाद में भी झामुमो प्रखंड कमेटी की ओर से डाक बंगला चौक पर विजयी जुलूस निकाला गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर, गुलाल लगाकर और आतिशबाजी कर खुशियां जताया। मौके पर मुख्य रूप से 20 सूत्री अध्यक्ष नुन्नू राम किस्कू, उपाध्यक्ष नीलकंठ मंडल, युवा नेता विपिन सिंह, टिंकू समेत काफी संख्या में जेएमएम के कार्यकर्ता लोग मौजूद थे। इस मौके पर प्रखंड अध्यक्ष सूत्री अध्यक्ष नुनू राम किस्कू ने कहा कि हेमंत सरकार के द्वारा यह नीति लागू किया गया है जो झारखंडियों के लिए काफी हर्ष की बात है। कहा कि इसके लिए जनता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड सरकार को धन्यवाद देती है। आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण को आज विधानसभा से पारित कराया है, उसके लिए आज हम लोग सभी कार्यकर्ता बेंगाबाद के झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता खुशी में विजय जुलूस निकाले हैं, ढोल नगाड़े के साथ पटाखे के साथ खुशी का इजहार कर रहे हैं। आपके माध्यम से हम सरकार को बधाई देते हैं। सरकार आप आगे बढ़िए, अब झारखंड के आदिवासी खुशी का इजहार करें, खुशी का फूले नहीं समा रहे हैं। सरकार को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय झारखंड। धन्यवाद कि उन्होंने जो है इतनी कठिनाइयों के बावजूद लगातार केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें रोका गया, हर समय जो है उन्हें परेशान कर किया गया। हमें तो ऐसा देख के लग रहा था कि जो है केंद्र सरकार की लड़ाई जो है लग रहा था यही चीन है और यही जो है हमारा पाकिस्तान है। उस तरह का सलूक के बावजूद हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है उनसे लोहा लिया और जो है अपने जो है जो उनकी मनसा थी उनको पूरा होने में जो है कभी भी पीछे नहीं हटे। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बता दिया कि हम जो है संघर्ष से उपजे हुए हैं और संघर्ष से कभी नहीं कतराएंगे। इनके लिए मैं पुनः एक बार जो है शिबू सोरेन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सदर प्रखंड मुख्यालय में शनिवार को प्रदर्शन को लेकर भाजपाइयों ने एक बैठक की। बैठक में हेमंत सरकार के खिलाफ जारी लूट के खिलाफ अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करने को लेकर रणनीति बनाई। हेमंत सरकार के खिलाफ प्रखंड स्तर पर जारी धरना प्रदर्शन के तहत शनिवार को सदर प्रखंड मुख्यालय में भाजपाइयों द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा, जिसे देखते हुए भाजपा की एक बैठक हुई। बैठक में पूर्व विधायक निर्भय सहबादी, सुरेश साहू, चुन्नू कांत, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, संदीप डंकेज, सुनील पासवान सहित कई भाजपाई उपस्थित थे।
बैठक में मुख्य रूप से हेमंत सरकार के द्वारा जारी लूट के खिलाफ प्रदर्शन को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। प्रदर्शन उसमें क्या तैयारी बताइए? देखिए, तैयारी तो आम जनता की है और हमारे समर्थकों की। पार्टी ने ये फैसला लिया था कि ये जो सरकार है जन विरोधी है और इसको सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं, और इसीलिए राज्य के सभी प्रखंडों में प्रदर्शन होना है और उसी निमित्त ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। आपको अगर स्मरण होगा तो 9 नवंबर को जो पीरटांड में प्रदर्शन हुआ है वो इस बात का संकेत है कि अब ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं रह गया है, जनता का ये कार्यक्रम है, जन आंदोलन है ये, और ये जनता चाहती है कि इसको जो सरकार है राज्य की हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व वाली, इसको उखाड़ करके फेंक देना है। और इसीलिए जनता का सैलाब उमड़ रहा है, आम लोगों में भारी नाराजगी है, आक्रोश है, और हेमंत जी में जरा सा भी नैतिकता तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए जनभावना के अंदर। कल गिरिडीह में जो प्रदर्शन होगा वो ऐतिहासिक होगा, जबरदस्त होगा, और पूरा शहर कल देखेगा कि इस सरकार के विरुद्ध क्या नाराज है। अब आपको चला एक छोटे से ब्रेक का। ग्रीडी कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां ग्रीडी के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप सीओडी ग्रीडी। ग्रीडी कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां ग्रीडी के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप सीओडी ग्रीडी। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की। आइए, हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड जीडी बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, डीएवी, एसएसबीएम, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट पैंट, जीन्स, टी शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक टॉप, नाइटी, करारा सरारा, लहंगा चुनरी, गाउन, प्लाजो, बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस के डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गॉल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड।
अब आपके शहर गिरिडीह में अब तक का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड आ गया है। विदेशी झूलों सा हस्तशिल्प बाजार के साथ मेले में मिलेगा हस्तशिल्प बाजार का लखनऊ का चिकन वर्क, भदोही का कालीन, बनारसी सूट साड़ी, भागलपुरी सिल्क, असम का सामान, सरहानपुर का फर्नीचर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बिना पानी का कूलर, फैंसी गैस चूल्हा, साड़ी, ग्राम उद्योग के वस्त्र, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, बंगाल का शाखा पोला, राजस्थानी अचार समेत अन्य कई सामान। इसके साथ ही मेले में ब्रेक डांस, टोरा टोरा, मिकी माउस, वाटर बोट, ड्रैगन झूला, जंपिंग झूला, तारामाची वगैरह। साथ ही खान पान के लिए मेले में स्वादिष्ट व्यंजन, चटपटा चाट, गुपचुप, मोमोज, पाव भाजी, आइसक्रीम, मंचूरियन मिलेगा। तो एक बार अवश्य पधारे स्वर्ण सिनेमा के बगल में, समय दोपहर 3:30 से रात्रि 10 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 5 सूत्री मांगों को लेकर सामाजिक अंकेक्षण स्त्रोत व्यक्ति संघ ने शुक्रवार को अम्बेडकर चौक पर धरना दिया। इस दौरान संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मांगों को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। सामाजिक अंकेक्षण स्त्रोत व्यक्ति संघ इकाई के बैनर तले शुक्रवार को 5 सूत्री मांगों को लेकर अम्बेडकर चौक पर एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना का नेतृत्व राम प्रसाद राणा के द्वारा किया गया। धरना के बाद अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। नेतृत्व कर रहे राम प्रसाद राणा और जिला सचिव अजय विश्वकर्मा ने बताया कि इन सभी मुद्दों को लेकर संघ द्वारा पहले भी राज्य की JSLPS के CEO तथा अन्य विभागों के मंत्रियों, सांसद, विधायक को ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया गया। धरना प्रदर्शन के माध्यम से बताया गया कि यदि 15 दिनों के अंदर हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। विधायक JSLPS के CEO सांसद महोदय करीब लगभग 10 से 11 प्रतिनिधि को हम लोग सूचनार्थ का लेटर दे चुके हैं सब एकत्रित होकर के, लेकिन अभी तक इसका कोई रिजल्ट हम लोग का नहीं मिल पाया है। जबकि हम लोग का जवाबदेही के कारण आज के डेट में ग्राम पंचायतों को नियमित संचालन हो रही है और हर तरह का दस्तावेज वहाँ पर सुनिश्चित रखने का प्रयास किया जा रहा है और हम लोग का जो है सो भुगतान में इस तरह का कोताही हो रही है। नियमित कार्य भी अभी बंद कर दिया गया है, ये बहुत फेरी की बात है। राज्य सरकार की रवैया इसमें पहल करने की आवश्यकता। सामाजिक अचल स्रोत व्यक्ति संघ झारखंड के जिला का गिरिडीह से हम लोग जितना अभी आप देख रहे थे हम लोग सब BRP और BRPWD और BRPST साथी बैठे हुए हैं। हम लोग मनरेगा सामाजिक अंकेक्षण ऑडिट किए हैं, उस ऑडिट का अभी 2 साल हो गया है, 2 साल से हम लोग का भुगतान नहीं हो पाया, उसके लिए हम लोग एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं, जिसके कारण अभी हम लोग का मांग है सामाजिक अंकेक्षण कर कार्य कर चुके BRP, BRPSD, WD एवं सहयोगी दल की पिछले 2 साल से बकाया भुगतान जल्द से जल्द करें। 5 सूत्री मांगों को लेकर है सामाजिक अंकेक्षण कार्य 1 माह के अंदर शुरू करते हुए सभी तरह के कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करे सरकार, इसको लेकर है। तीसरा है कि BRP को अंशकालिक की जगह पूर्णकालिक करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। सभी BRP, SD BRP या सहयोगी दल जो है BRP, इन लोगों को 550 हम लोगों को जो प्रत्येक दिन के दर से दिया जा रहा है, इसको 800 रुपया किया जाए। उसके बाद है सामाजिक अंकेक्षण इकाई को स्वतंत्र इकाई के रूप में निबंधित कर जरूरत व्यक्तियों की सुरक्षा बीमा पॉलिसी एवं उनके लिए नीति बनाई जाए। उसके बाद सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा सत्यापित और ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित मुद्दों पर समय पर उचित कार्रवाई कराने की सुनिश्चित की जाए। ये सब मांगों को लेकर आज हम लोग एक दिवसीय धरना में यहाँ बैठे हुए हैं और अगर सरकार हमारी मांगों को अगर नहीं पूरा करती है तो हम लोग 15 दिन के अंदर राज्य में अनिश्चितकालीन धरना देने
के लिए हम लोग जा रहे हैं और सरकार को बाध्य होकर हमारी मांग को पूरी करनी होगी और हम लोग अपने अधिकार और हक की जो मांग की लड़ाई लड़ रहे हैं ये सरकार से हम लेके ही रहेंगे। अंकेक्षण किया है, दो साल से हम लोगों का बकाया भुगतान है और हम लोग सारे छोटे लोग के सामाजिक अंकेक्षण करते हुए मतलब सारे दीदी लोग भैया लोग हैं बीआरपी और एससी बीआरपी और हम लोगों को दो साल से नहीं मिला हुआ है भुगतान और काम भी रुका हुआ है जो हम लोगों का मतलब भुगतान हो जाए 15 दिन के अंदर और काम भी चालू हो जाए सोशल ऑडिट का और नहीं अगर इस मांग को हम लोग को 15 दिन के अंदर नहीं पूरा किया जाएगा तो हम लोग राज्य स्तर पर भी धरना प्रदर्शन करेंगे। मौके पर योगेंद्र गुप्ता, दिवस कुमार, विवेकानंद तिवारी, वीरेंद्र वर्मा, अनिल कुशवाहा, नुनदेव दास, सावित्री किस्कू सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। शुक्रवार को BNSDAV पब्लिक स्कूल में क्राफ्ट मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कक्षावार आयोजित इस प्रतियोगिता में काफी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। BNSDAV पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को क्राफ्ट मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें कक्षा 2 से 5 के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के लिए बच्चों में उत्साह देखने को मिला। छात्रों ने घर के वेस्ट मटेरियल व रंग बिरंगे कागजों का उपयोग कर एक से बढ़कर एक आकर्षक क्राफ्ट एवं कलाकृतियों का निर्माण किया और अपनी सृजनात्मक कल्पनाशीलता से मन को मोह लिया। प्रतियोगिता का आयोजन कक्षावार किया गया था। मौके पर DAV पब्लिक स्कूल झारखंड जोन के क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने प्रतियोगिता में सफल छात्रों को प्रमाण पत्र व मेडल प्रदान कर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि चौतरफा विकास के लिए पठाई सहगामी क्रियाएं आवश्यक है जिससे छात्रों के अंदर छिपी सृजनात्मक शक्ति साकार हो सके। पीटर के मधुबन में शुक्रवार को माले के झामस और झारखंड जनसंघर्ष मोर्चा की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में जल जंगल जमीन के लूट को रोकने के लिए आंदोलन करने का निर्णय लेने के साथ साथ पीटर की चलखारी में उत्क्रमित मध्य विद्यालय स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र व सामुदायिक भवन में CRPF के द्वारा कब्जा किए जाने का विरोध किया गया। बैठक के दौरान माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने कहा कि झारखंड में जल जंगल जमीन की खुलेआम लूट मची हुई है। वहीं पीटर के चलकारी सहित अन्य इलाकों में संचालित स्कूलों सहित अन्य सरकारी भवनों को CRPF के अधीन कर दिया गया है जिससे शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। कहा कि पीटर प्रखंड में सरकारी कार्यों में जमकर लूट मची हुई है। ब्लॉक अस्पताल स्कूल आदि का सरकारी विभाग में सरकारी पैसे का बंदरवाट हो रहा है जिसे लेकर दोनों मोर्चा मिलकर पीटर प्रखंड के एक एक गांव में अपना मोर्चा बनाकर लुटेरे के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। बैठक को झारखंड जनसंघर्ष के जिला संयोजक अनिल मुर्मू, अजीत राय, बसंत कर्माकर, सुनील हासदा, थानो राम, दशरथ हेम्ब्रम, बड़का हासदा, राजेश मुर्मू, सुनील हांसदा, माले के डुमरी विधानसभा प्रभारी नागेश्वर महतो और माले नेता निशान भास्कर ने भी संबोधित किया। हम लोग आए हैं मधुबन में और मधुबन में बहुत सारा पीटर एरिया को अगर आप गौर से देखें तो चाहे वो हॉस्पिटल का मामला हो, स्कूल का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, ब्लॉक का मामला हो, हर तरफ भ्रष्टाचार बड़ा चरम स्थिति में पहुंच गया है। तो इस प्रकार से हम लोग आवाज़ उठाते हैं उधर शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में या मुफस्सिल क्षेत्र में, उसी तरह आवाज़ यहाँ उठाने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं राज्य सरकार के जो प्रतिनिधि हैं इन इस एरिया में जो लूट है उस लूट को बंद करने के लिए थोड़ा सा पहल करना पड़ेगा। दूसरा जो एक मुद्दा बड़ा मुद्दा है कि दलान चलकारी में एक स्कूल है, उस स्कूल में 6 रूम है और 6 रूम
पूरा एक तरह से सीआरपीएफ पिछले सितंबर से ही उसको ले लिए हैं। अभी 3 रूम को छोड़े हैं लेकिन उसमें पढ़ाई नहीं हो पा रही, मतलब कि शौचालय भी नहीं है। आप अगर देखें तो वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है उसके लिए भी शौचालय नहीं है। और अभी छोटे छोटे बच्चे ग्रहण के समय में 8 तारीख को चिल्ला रहे थे, जो परंपरा है यहाँ का कि ग्रहणा ग्रहणा छोड़ो या गहना गहना छोड़ो, उसमें एक 12 साल का बच्चा, एक 8 साल का बच्चा, 19 साल का, ये लोग चिल्ला रहे थे। उसी बीच में उनको मारपीट की गई और ग्रामीणों के विरोध के बाद बताया गया। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम शिक्षा को बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो शिक्षा का स्कूल है उसी में हम आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से भी हम बात करना चाहेंगे, यहाँ के जो विधायक हैं उनसे भी बात करना चाहेंगे, इस पर पहल करनी चाहिए कि जो बहुत कुछ दिखता नहीं है, हम भाकपा माले के जरिए और यहाँ के जो लोकल हैं उनके जरिए हम दिखाना चाहेंगे यहाँ का लगातार भ्रष्टाचार जो आसपास हो रहा है उसको हम उजागर करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि यहाँ के इन क्षेत्रों में जो लूट खसोट हो रहा है, इन क्षेत्रों में जो एक तरह से दबंग पुलिस की जो दबंगगिरी चल रही है, उन तमाम चीज़ों को निचोड़ करके हम लोग देखेंगे कि क्या बात है। इसके पहले भी एक बार सीआरपीएफ कैंप में जो ग्रामीणों ने विरोध किया था उसमें लगभग 1,000-1,500 लोगों पर केस कर दिया गया था। हम पूछना चाहेंगे राज्य सरकार से, चूँकि गिरडी विधायक सुदीप भैया से पूछना चाहेंगे, सुदीप सोनू माननीय सुदीप सोनू से भी पूछना चाहेंगे कि उस आंदोलन में आप भी थे तो क्या सबका जो वो 1,500 के लगभग में थे ग्रामीण, क्या उनका बेल हो गया, क्या उनके मुकदमा, चूंकि राज्य सरकार में आप है और राज्य सरकार, देखिए कोई भी कैंप लगती है तो केंद्र सरकार के ठीक है लगती है लेकिन उसमें राज्य सरकार का सपोर्ट होता है, तो राज्य सरकार को भी हम लोग कहना चाहते हैं कि अगर पूरे इलाकों में एक तरह से आप बेहतर करना चाहते हैं तो ग्रामीणों को मारना बंद करें, यहाँ के ज़मीन को लूटना बंद करें, यहाँ के जल जंगल जमीन जिस प्रकार से उनका अधिकार है उसको छेड़छाड़ ना करें, नहीं तो हम लोग विरोध करेंगे और 15 तारीख को इसी को लेकर, 15 नवंबर को इसी को लेकर हम लोग प्रति जलाएंगे। धन्यवाद। ये हमारा परंपराया चला हुआ है, चाहे चंद्र ग्रहण लगे या सूरज ग्रहण लगे, हम तमाम नौजवान बच्चे बूढ़े मिल करके हम लोग गहना गहना छोड़ के नारा लगाते हैं। और इस बातें पर यदि प्रशासन बच्चे लोग को मारपीट किया है तो गलत है। हम साथे साथ कहेंगे सिर्फ गहना लगने हल्ला करने के वजह से मारा गया, लेकिन हमारे झारखंड क्षेत्र में अपना संस्कृति परंपराया चला हुआ है। आज गहना लगने के कारण बच्चे लोग हल्ला किया, उसके कारण मारपीट हुआ। अभी हमारा जनवरी माह में हमारा सोहराय का त्यौहार आता है आदिवासियों का, और ये सारे रात गाना है बजाना है, मोहल्ला में घूमना है, कल हो सकता है कि फिर प्रशासन उस पर कार्रवाई करे। तो इस प्रकार से हमारा संस्कृति का हमला, हमारा अधिकार पर हमला जो हो रहा है, इस पर हम सरकार से मांग करते हैं कि इस पर अविलंब रोक लगावे, ताकि झारखंडी जनता अपना स्वतंत्र से घूम सके, बोल सके, एक दूसरे से मिल सके। और जो सरकार के द्वारा शिक्षा के बारे में जो सरकार ने घोषणा करते हैं कि हम स्कूल चलाने का प्रयास कर रहे हैं, स्कूल खुला रहे हैं, और वैसे वैसे बच्चे के स्कूल में प्रशासन को भर कर रखना, हम समझते हैं कि हमारे गरीब बच्चा का पढ़ाई लिखाई के पर भी हमला किया जा रहा है। इसलिए हम कहेंगे, सरकार से भी मांग करते हैं कि अविलंब स्कूल को खाली कर देना चाहिए। वो बच्चे, मैं अनिल कुमार किसको, ग्राम दलांचल करी का, और बीते 13 सितंबर से हमारे दलांचल करी स्कूल में प्रशासन ने कैंप किया हुआ है, जिसमें से 2 महीना के दरमियान में वहाँ स्कूल को पढ़ाई में बाधित हुआ है और लगातार हम लोग सोच रहे हैं कि अब खाली करेगा, लेकिन वैसा आज 2 महीना बीत जाने के बाद भी खाली नहीं हो पाया है, बल्कि और भी आंगनबाड़ी जो था स्कूल के बगल में वो भी, उसको भी
पुलिस ने ले लिया है, फिर समुदाय भवन था वो भी ले लिया है। कहने का बात तो हम लोग उनसे कभी कुछ नहीं बोले हैं, और उप लोग आता था अपना जाता था। लेकिन हल्के घटना जैसे 8 तारीख का जो चंद्र ग्रहण लगा था, मंगलवार का दिन था, उस दिन मरे मोहल्ले के बच्चे, जहाँ तक मेरा भाई भी था, और लोग उन बच्चों ने चंद्र ग्रहण के क्रम में आवाज़ लगा रहा था, चंदा मामा ग्रहण छोड़ो, इस तरह का जो परंपरा से चलते आया है, और बच्चा ही नहीं बल्कि बूढ़े लोग भी आवाज़ लगाते हैं और नगेड़ा भी बजाते हैं, मंदूर भी बजाते हैं। उस तरह से उसी क्रम में कोई लड़का इधर से उधर दौड़ रहा था, उसी बीच में लगभग शाम का 6:30 के आसपास में था, उसमें से CRPF का काफिला उसी रास्ते से गली से गुजर रहा था, उसी में अभद्रता से पेश आते हुए गालिज गुलज करते हुए जितने लड़के थे साथ में सभी को एक एक थप्पड़ मारा और गाली गलौज किया गया। तो उसके बाद हम लोग ने प्रयास किया कि शाम था उस दिन, तो हम लोग कुछ नहीं किए। दूसरी बात, 9 तारीख को हम लोग ने ग्रामीण बैठे करके कुछ अपना विरोध विरोध किए, चाहे कि भाई इस तरह से अपना राय मशवरा किए, आखिर क्यों हम लोग के साथ में इतना देर से पुलिस से, तो एक तो स्कूल को तो लोग ले ही लिया है, उसके बाद हम लोग कुछ उन लोग को बोले भी नहीं, बाहर में भी सोच कर रही है पुलिस, उसमें भी हम लोग कुछ बोलने नहीं गए। उसके बाद भी हम लोग के साथ अगर हमारे घर में ही हम अगर बाहर जा रहे हैं तो हमसे ही मारपीट कर रहे, तो कहीं से भी उचित नहीं है। इसके लिए हम लोग ने मंथन चिंतन करते हुए हमने प्रयास किए कि आखिर ये मसला हम लोग कब तक झेलेंगे, आखिर क्यों इस तरह से हो रहा है, और ये स्कूल को बंद करके या कैसा ये विकास करना चाह रही है प्रशासन। एक तरफ चाहती है कि यहाँ के लोगों को कैंप बनेगा तो यहाँ के लोगों को विकास होगा। शुक्रवार को वृद्धा आश्रम में वृद्ध लोगों को भोजन कराकर बढ़ता भारत फाउंडेशन का शुभारंभ किया गया। इस फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य गरीबों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। बढ़ता भारत फाउंडेशन की शुरुआत शुक्रवार को वृद्धा आश्रम में रह रहे वृद्ध लोगों को खाना खिलाकर किया गया। इस दौरान बढ़ता भारत फाउंडेशन के विकास के लिए संस्थान के सदस्यों ने वृद्ध लोगों से आशीर्वाद प्राप्त किया। मौके पर संस्थान से जुड़े प्रियांशु शेखर ने बताया कि भारत फाउंडेशन का मिशन निचले स्तर के लोगों को जहां तक संभव हो सके वहां तक मदद करना है। इसी उद्देश्य को लेकर इस फाउंडेशन की शुरुआत वृद्ध दादा दादी के बीच भोजन कराकर किया गया। कहा कि फाउंडेशन भविष्य में हमेशा निम्न व मजदूर गरीब स्तर के लोगों के सहयोग के लिए तत्पर रहेगा। बर्तवा फाउंडेशन का वृद्धाश्रम में भोजन करवा उसका शुभारम्भ किया गया। आगे चल के और अलग अलग चीज की कार्यक्रम किए जाएंगे। बढ़ता भारत फाउंडेशन का शुभारंभ गिरिडीह के वृद्धा आश्रम से किया गया। इस फाउंडेशन का मिशन है कि निचले स्तर के लोगों को हम लोग जहाँ तक हो उसको मदद करें और उसको ऊपर लेके आए, और आज हम लोग का पहला प्रोग्राम गिरिडीह के वृद्धा आश्रम में किया। सदर प्रखंड के फुलची और जसपुर पंचायत में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन दिया। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को सदर प्रखंड के क्षेत्र जसपुर पंचायत और फुलजी पंचायत में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रमुख अतिथि BDO दिलीप महतो, प्रमुख पूनम देवी, उपप्रमुख कुमार सौरभ जी, प्रतिनिधि रंजीत राय, जसपुर पंचायत की मुखिया बुधनी देवी, फुलजी मुखिया चंपा मरांडी, आपूर्ति विभाग के प्रधान मरांडी, बिजली विभाग के रितेश कुमार उपस्थित थे। शिविर में पंचायत के काफी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और समस्याओं से संबंधित आवेदन दिया, जिसमें कई आवेदनों पर ऑन द स्पॉट कार्रवाई की गई। हमारे भारतीय समाज में एक परंपरा है कि जब भी कोई शुभ काम होता है और काफी स्पेशियस है,
सरकार की जितनी योजना है सभी स्टॉल में लगी हुई है, सारे पदाधिकारी कर्मचारी उपस्थित हैं। आप सभी लोग से निवेदन है कि आसपास के जितने भी लोग हैं जो पात्र लाभुक हैं पेंशन योजना में, जो 60 साल से अधिक हो गया है और जिनका नाम पिछले बार नहीं भर पाए थे किसी कारण से, और जिनका 60 साल पूरा हो गया अभी तुरंत, वैसे सारे लोग पेंशन जो वृद्धा पेंशन है इसका आवेदन भर देंगे। विकलांग पेंशन के लिए प्रमाण पत्र चाहिए। पूर्व जो निर्धारित तिथि के अनुसार ग्राम पंचायत जसपुर में आपकी योजना, आपके सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत प्रखंड के जितना भी विभाग है सभी विभाग अस्टोर लगा के यहाँ पर लोगों का समस्या सुना और आवेदन कलेक्ट करके ऑन द स्पॉट समस्या समाधान करने का काम किया। और आज एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण दिन है जो इस झारखंड का आदिवासी मूलवासी ओबीसी माने पिछड़ी वर्ग का, जो आज विधानसभा भवन में 1932 का खतियान के आधार पर नियोजन नीति को लेकर के आज विधानसभा में पारित करके केंद्र को भेजेंगे। और सरकार की ओर से माने डिजिटल द्वारा टेलीकास्ट द्वारा हर पंचायत में, जैसे हर प्रखंड और यहाँ जहाँ जो सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चल रहा है वहाँ भी, यहाँ और फुलची में भी लगाया। देवरी प्रखंड के हरियाडी में शुक्रवार को मां सरस्वती मंदिर में ग्रामीणों के सहयोग से 24 घंटे का अखंड हरि कीर्तन का आयोजन किया गया। हरि कीर्तन की शुरुआत पंडित सुनील मिश्रा और पुजारी सहदेव यादव द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर की गई। राम 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 हरे कृष्णा। आज के अंत में बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।